देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में हुआ हंगामा, छह दिन से चला आ रहा गतिरोध खत्म, कहा 26 फरवरी को जो हुआ उसको भुलाकर बढ़ना चाहिए आगे। कृषि कानून को वापस लेने की मांग तेज, एक बार फिर किसानों ने भरी हुंकार, किसानों ने केंद्र सरकार की निकाली शवयात्रा, जमकर की नारेबाजी। मोगा में समाजसेवी संस्थानों ने लोगों को किया जागरूक, लोगों को बांटे मास्क, सभी से की कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। सहरसा में ऑफलाइन पेपर करवाने के खिलाफ विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन और वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चलिए शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में हुए हंगामे के छह दिन से दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा गतिरोध आज खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के सदस्य की बैठक में गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बनी, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव लाया है। इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से आशा कुमारी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदस्यों के निलंबन को वापस लेने पर सहमति बनी है, आगे से सदन के अंदर बेहतर माहौल बने इसके लिए दोनों पक्ष भाषा पर संयम रखें। इसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 26 फरवरी को जो हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है, तो अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की, अगर आप उसको निकाल देंगे तो आप कैसे इस हाउस चलाओगे, और एक तरफा बात करते रहोगे तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए हमने पहले कह दिया था, जब भी हाउस चलता है बहुत मामले होते हैं, और लेकिन हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन। और जीवन सुगमता सूचकांक में शिमला ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में देश की 100 स्मार्ट सिटी और 10 से 14 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर शामिल हैं, जिसमें शिमला ने पहला स्थान हासिल किया है। इसी को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला देशभर में सर्वश्रेष्ठ आया है, और ये सर्वे 1 फरवरी से शुरू हुआ जो एक महीने तक चला। इसी के साथ शहर के लोगों से यहां के व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। लुधियाना गलाडा के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार की तरफ से कई विभागों में रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया को गलाडा में भी लागू करने का फैसला लिया गया। इससे संबंधित लुधियाना गलाडा जेई यूनियन पंजाब की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया में पोस्टों में कटौती नहीं करने के लिए मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर गलाडा के जेई यूनियन से राजेंद्र सिंह बाबा ने कहा कि गलाडा प्रशासन झूठ कह रहा है, क्योंकि गलाडा पंजाब सरकार का मुख्तार महकमा है और इसका फैसला पंजाब सरकार की कैबिनेट के पास नहीं होता है, बल्कि अथॉरिटी की मीटिंग में एजेंट पास किए जाते हैं। गलाडा में दिन प्रतिदिन काम बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल कर्मचारियों को पोस्ट में कटौती कर इंजीनियरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके विरोध में गलाडा के समूह कर्मचारियों द्वारा कलम छोड़ गेट रैली करने का फैसला हुआ है, जिसमें कर्मचारियों ने प्रशासन को इन कटौतियों पर विचार करने की अपील की है। गलाडा इंजीनियरिंग एसोसिएशन और गलाडा तालमेल संघर्ष कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांग को पुनर्विचार नहीं किया गया तो आगे संघर्ष को और तेज किया जाएगा। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ SDO ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ SDO ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ
सारे मुलाजम वेले बैठे ने, हर एक मुलाजम एक चाहे एस डी हो चाहे जेई हो या किसी होर पोस्ट हो, सारे को दो तो ज्यादा चार्ज ने इतने, ठीक है जी, दो तो ज्यादा चार्ज ना, एक बंदा जो दो पोस्ट है तीन पोस्ट का काम संभाल रहा तो तुम उस तो बाद जी खाली पोस्ट है जी उम्मीद च बंदा नौकरी कर रहा कि मैं कल प्रमोट होगा कल मैं इस पोस्ट मान जाएगा, तुम वो पोस्टा खत्म कर रहे हो, तुम काम करने की मोटिवेशन खत्म कर रहे हो मुलाजम की, वो किस उम्मीद ना सवेरे आके दफ्तर से काम करेगा कि मैं जो काम करा तो मेरी जिंदगी यह तरक्की होगी कल मैं इस पोस्ट मान जाएगा, जब सामने मोटिवेशन कोई नहीं है काम करने की तो इंपलॉई का की फ्यूचर रह जाता। और कृषि कानून को रद्द कराने के लिए पिछले तीन महीने से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी भी किसान थके नहीं हैं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ अहंकार भरी है। आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ने अपना गुस्सा जाहिर किया, मोदी की शव यात्रा लेकर यहाँ पे टिकरी बोर्ड पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी, किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसान मैं ये कह रही हूँ कि सहन शक्ति की एक सीमा होती है और प्रधानमंत्री जी ऐसा ना हो कि देश में बहुत ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है, जन आक्रोश, ऐसा ना हो कि देश के हालात ऐसे हो जाए जिसे मानना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आपके लास्ट टाइम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तीनों काले कानून वापिस कर लें। हुए समाज सेवी संस्थानों ने लोगों को मास्क बांटा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि आज साई लंगर सेवा सोसायटी की धार्मिक स्थल पर जाकर लोगों को मास्क बांटे। इसी को लेकर सोनू अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर सबको अमल करना चाहिए। और प्रोग्रेसिव पैनल ऑफ एजुकेशन की बैठक हुई जिसमें एएस हाई स्कूल खन्ना ट्रस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी की नई टीम पर सवाल निशाना उठाए। आपको बता दें कि खन्ना की सबसे बड़ी विधेयक संस्थान एएस हाई स्कूल खन्ना ट्रस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी ने कुछ दिन पहले चुनाव कराए थे जिसमें 20 उम्मीदवार चुनाव जीतकर मेंबर बने थे और दो ग्रुप में ये चुनाव लड़े गए थे जिसमें दोनों ग्रुप के 10-10 उम्मीदवार रहे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी प्रोग्रेसिव पैनल ऑफ एजुकेशन के एक उम्मीदवार वीरेंद्र डेविड को अपने साथ मिला लिया और उस पैनल ने अपनी दावेदारी दिखाते हुए शमेंद्र सिंह मिंटू को अध्यक्ष और वीरेंद्र द्विवेद को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया, जिसके बाद एक मीटिंग की गई जिसमें मेंबर करण अरोड़ा के साथ गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। इससे सभी ने नाराजगी जाहिर की है। और कुरुक्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आईसीसी बैंक को डिप्टी सीईओ आयुष्मान मनीषा अग्रवाल और सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर महला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लाभार्थी निःशुल्क कार्ड बनवाकर 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। ये कार्ड एटीएम की तरफ होता है और जिसमें लोगों को अपने पास रखना होता है। इसी को लेकर डॉक्टर सभरवाल का कहना है कि अटल जनसेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर कार्ड बनवा सकते हैं और एटीएम की तरह ये कार्ड होता है जिसे लोग अपने पास रख सकते हैं। 5 लाख की मुफ्त सुविधा इलाज की दी जा रही है लोगों को। इसमें आईसी वैन है हमारी जो लोगों को संदेश देगी। हम एक पखवाड़ा बनवा रहे हैं 1 तारीख से 15 तारीख तक, जिसमें सभी जो आयुष्मान लाभार्थी हैं उनको आइडेंटिफाई जो किया जा चुका है उनके कार्ड बनाने के लिए। हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि भी ये कार्ड फ्री बनाए जा रहे हैं हर जन सेवा केंद्र पर, जो अटल सेवा केंद्र है जिनको कॉमन सर्विस सेंटर्स कहते हैं। तो ये उन सब लोगों को जागरूक करने के लिए हमने 4 वैन्स चलाई हैं, उसके लिए आज हमने उसको हरी झंडी दिखाई है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को जो आयुष्मान के लाभार्थी हैं वो इन जन सेवा केंद्र पर जाएं और अपना कार्ड बनवाएं। और कुरुक्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गए हैं, जिसके बाद इस बात से खफा शिक्षक विधायक से मिलने पहुंचे। इसी को लेकर शिक्षकों ने बताया है कि आयुर्वेद महाविद्यालय को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बदलने का सिलसिला
अपग्रेड की जगह डिग्रेड पर है और 3 सालों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के नाम पर सिर्फ 4 दीवारी ही बनाई गई है और वहीं रिसर्च के लिए इंटरनेट तक नहीं है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि समस्या का हल निकाला जाएगा और इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। छात्र वर्ग के लिए, स्टाफ के लिए जो भी बेनिफिशियल पार्ट है वो बिल्कुल यदि स्टेटस नहीं रहता है तो वो नहीं मिलेगा। बाकी जो रूल्स की बात आती है, रूल्स में यूनिवर्सिटी जो भी रूल्स बनाने जा रही है, मान लो जैसे पीएचडी से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, उनमें भी हम तो सहमत नहीं है। वो इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो उनके बेनिफिशियल पार्ट है उसको तो वो ले रहे हैं, और जो एक यूजीसी नॉर्म्स हैं या जो आयुर्वेदिक की रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामनगर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी तो देखो यूनिवर्सिटी जो है बडिंग स्टेज में है, रिसर्च तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश होना जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश होने के नाम पे केवल 4 दीवारी हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई है, तो रिसर्च तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय था जिसमें जो है आयुर्वेद की होती थी, तो आप बता सकते हैं कि अब रिसर्च की क्या है, इस समय क्या स्थिति है? जी मैं वही बता रहा हूँ ना, रिसर्च तब होती है जब आपके पास रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से होगी। और पंजाब में स्टडी वीजा के किंग माने जाने वाले एस ग्लोबल के साथ 3 कर्मचारियों ने 54 लाख की ठगी कर दी, जिसमें कर्मचारियों ने विद्यार्थियों से लिए गए पैसे कंपनी के खाते में जमा नहीं कराए। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने छात्रों से पैसे लेकर कंपनी के खाते में जमा करवाए और उनका वीजा लगवाने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली की ट्रैवलिंग एजेंसी को भेज दिया। वहीं जब मामले का खुलासा हुआ तब पता चला कि छात्रों को पैसे देने के बावजूद विदेश नहीं भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित सेठी है कि ईएस ग्लोबल के डायरेक्टर, उन्होंने कंप्लेंट की थी आफ्टर इंक्वायरी पर्चा तो जो है 3 बंदियों के खिलाफ, प्रेरणा अरोड़ा, इना कक्कर, केशव शर्मा, सारे बिलोंग टू करनाल। इन्होंने गबन का पर्चा होया भी, इन्होंने एक ऑफिस हैगा जी करनाल, उत्थे इन्होंने पार्टी तो पैसे लैके उन्होंने काम नहीं किए, तो आफ्टर इंक्वायरी पर्चा दर्ज होया। नियरबोर्ड 49 लाख 60,700 रूपये का। और सिरसा यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पेपर करवाने के खिलाफ विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संगठन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि भूमन शाह चौक से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का 500 मीटर की दूरी पर घर है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है कि कई छात्र संगठन उप मुख्यमंत्री के आवास की तरफ न चल दें। विद्यार्थी परिषद के आज नेशनल कॉलेज के कार्यकर्ता युवा तरुणाई इकट्ठी होकर यूनिवर्सिटी का घेराव करने आए हम, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञापन दिया था वाइस चांसलर को, मगर वाइस चांसलर महोदय ने उसको हल्के में लेने का काम किया। मगर अभी 17 मार्च से एक डेटशीट आई है यूनिवर्सिटी की, जिसमें विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर के पेपर लेने का ऐलान किया है। पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन पेपर भी लिए हैं और अटेम्प्ट 95 को ऑप्शन दिया है, मगर दुर्भाग्य है इस यूनिवर्सिटी का, जिसने ना ऑनलाइन पेपर लेने की बात कही और ना अटेम्प्ट 95 का। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, मतलब हम जैसे सेकंड ईयर वालों को और थर्ड ईयर वालों को 95 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मिल रहा है, ठीक है, बट हमें नहीं मिल रहा। बट हम बस यही चाहते हैं कि हमें वो प्रोसीजर मिल जाए, और जैसे कि मतलब जैसे हमने उनके पास गई थी प्रिंसिपल के पास, और उनके पास हमने जाकर उनको बोला कि हमें ये सब कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमें हिंदी में नहीं इंग्लिश में स्पीच ला के दो। क्यों, हम हिंदी यूज नहीं कर सकते क्या? हिंदी हमारी लैंग्वेज है तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि हमें टाइप करके चाहिए और फिर तुम लाओ, ठीक है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 दिन की छुट्टी लेके वो जा चुकी है, और हम सबको भी फ्री कर दिया है कि तुम्हारा मंडे से पेपर है, और हमारा कोई सिलेबस कम्प्लीट हुआ, हमारी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत पहले बंद हो चुकी थी। और नगर निगम कांग्रेसी मेयर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा जमाने को लेकर कांग्रेसी काउंसलर नेताओं के बीच गर्म माहौल है। जानकारी के मुताबिक अपनी काउंसलर पत्नी को मेयर बनाने की दौड़ को लेकर कांग्रेस में करोड़ों रुपए की बोली लग चुकी है। इस अफवाहों से कपूरथला गरमाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी पार्टी उप मेयर
रजीरव कोटे से किसी रिजर्व कोटे से किसी योग्य महिला काउंसलर को बनाने जा रही है, तभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 50% महिलाओं को प्रदेश में टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। देखो जिदा कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस ही अगे आई है, मतलब बाकी सारी करना पाया। मैं तो यही कहूंगा कि जेड़ा भी आने वाले टाइम मेयर बन कांग्रेस वालों वो पढ़िया लिखा ही इंसान बनना चाहिए वा, क्योंकि अजकल पढ़े लिखे की ही वैल्यू वा जरा अपने कपूरथले समझ सकता वा, तो इस करके मैं यही कहूंगा कि आने वाले टाइम पढ़िया लिखा ही अपने कांग्रेस नू मेयर चुनना चाहिए वा। देखो भाजी राणा साहब ने 50% लेडीज खड़िया की 50% जेंट्स, बहुत वधिया गल है। तो असं ये चाहते हैं कि ऐतकी जो मेयर है वह लेडीज होनी चाहिए है, पर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। असं ये देखना चाहते हैं कि लेडीज नू जिहड़ा वा मेयर बनाया जाए। नगर पार्षद परमेंद्र सिंह पाशा अपने रुके हुए कामों को करवाने के लिए अपने घर से समर्थकों के साथ सहरा बांधकर नगर काउंसिल के दफ्तर पहुंचे, जहां पंजाब सरकार और करण कौर बराड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि जब वो वार्ड नंबर 15 के काउंसलर थे तब उन्होंने अपने वार्ड के विकास के लिए काम शुरू करवाया था, लेकिन चुनाव के समय उनके वार्ड में काम रोक दिए गए हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि जब मैंने काम शुरू करवाने के लिए बात की तो उन्होंने काम शुरू करने की बात कही, लेकिन जब वो वार्ड वालों के पास पहुंचे तो काम करने के लिए रोका गया। ਟੈਂਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ। अगली खबर बहादुरगढ़ से है, जहां केबल ऑपरेटर में आपसी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक केबल ऑपरेटर ने दूसरे केबल ऑपरेटर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ऑपरेशन के बाद दोनों घायलों की गोलियां निकाल दी गई है। गनशॉट इंजरी फायर आर्म इंजरी का केस था, रात में कहीं ये सभी को लोग गांव में इस तरह की वारदात हुई है, केबल का काम करते थे लोग, आपस में झगड़ा हुआ है इनका और उसकी वजह से इंजर्ड होकर के ये लोग सिविल हॉस्पिटल में आए थे और वहां से गंभीर स्थिति में इनको रेफर किया गया, यहां पर लेकर के आए, रात में इनकी सर्जरी हुई, सीरियस कंडीशन में थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, अभी स्टेबल है कंडीशन उनकी, ट्रीटमेंट चल रहा है। अपना केबल देखने जा रहे थे, जो हमारे गांव में एक और केबल का काम करता वो हमारी दूरी काट रहा था, उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवा के हमारे साथ झगड़ा किया, फिर बात बढ़ती चली गई, फिर उन्होंने गोली चला दी। किस किस को लगी है? मेरे मामा को लगी है। अगली खबर बल्लभगढ़ के फिरोजपुर से है, जहां गुरुग्राम के नाम पर बन रहा पुल लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको बता दें कि लोग इस पुल के सहारे खेती करने जाते हैं, ये पुल जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो पता चला कि पुल करीब 18 फुट चौड़ा था, जिससे उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन जर्जर होने के कारण अब उन्हें परेशानियां हो रही हैं। हमारा शमशान घाट इधर है और पानी पत्ता पीने का लेडीज इधर से ही ले जाती है, मटकों में पानी जाता है, अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है इधर से, और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें पहले रास्ता बनाया जाए कम से कम। तो रास्ता नहीं बना रहे हैं लोग? रास्ता 4 फुट का, जो उससे नाज पानी भूस कैसे इधर से लेकर आएंगे? शिकायत यहाँ पर पुल बनाया जा रहा है जी, जो पहला पुल था वो हमारा बहुत पुराना बना हुआ था, वो काफी उसकी खस्ता हालत हो चुकी थी, और अब जननायक जनता पार्टी और भाजपा पार्टी द्वारा सरकार द्वारा हमारा ये काम कराया जा रहा है, लेकिन हमारी एक मांग है सरकार से। परेशानी क्या है बताओ ना आप? परेशानी ये है जी, हमारी गांव की 90% आबादी इस तरफ निर्भर करती है, खेती की, क्यारी की, भैंसों के चारे की, पानी की, यहां तक की शमशान घाट तक की भी जरूरत है हमारे गांव। और चरखी दादरी में डीआईटीएस विभाग में करीब 9 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले का खुलासा एसडीएम ने जांच में किया है। आपको बता दें कि सरकारी फीस की राशि को सरकारी बैंक में जमा नहीं कराया गया, जिसको लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।
और फरीदाबाद की चावल कॉलोनी में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां परिजनों ने परेशान होकर युवक ने प्रदर्शन किया और लोगों के जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया, जिसके बाद बिस्कुट का पैकेट देकर लोगों को आभार जताया। आरोप है कि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रोटेस्ट मुझे इसलिए लेना पड़ा कि मैंने एफआईआर लॉज कॉपी करने के बावजूद भी मेरी घरवाली ने मुझे घर के रजिस्ट्री के कागज नहीं दे रही है और मुझे बार बार तंग किया जा रहा है। उनकी सहपाठियों द्वारा वार्निंग दी जाती है कि हम कपड़े पहन लेंगे, पुलिस को बुला करके आपको बंद करा देंगे। इस तरीके से इस तरीके की बातें होती रहती हैं और आगे कई बार उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, महिला पुलिस के द्वारा मुझे प्रताड़ित कराया गया, लेकिन उन्होंने सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये सुलह नहीं करती है। वहां पर राजीनामा के स्टेटमेंट लिखाती है और लेकिन ये कर नहीं पाती। अगली खबर सोनीपत से है, जहां तीन युवकों को गोली मारने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जिम के मालिक ने तीन युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हत्या क्यों की गई इस मामले का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुरुदत्त नाम के व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी, जिसमें मोनू, विनोद और साहिल इंजर्ड हुए थे, जिसमें आज हमने गुरुदत्त को अरेस्ट कर लिया है। काशी गिरफ्तार किया सर। गुरुदत्त को हमने टीडीआई सिटी कुंडली से अरेस्ट किया। इनकी गांव में ही आपसी रंजिश है, जिसमें कि एक तारीख को गुरुदत्त ने भी इन तीनों के खिलाफ और इनका एक साथी और विनोद के खिलाफ पहले। और हनुमानगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नशे के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया, जिसमें टिब्बी पुलिस ने 30 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक टिब्बी एसएचओ भूप सिंह सहराना के सुरविजन के पास ये अभियान चलाया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संजीवनी के तहत पुलिस थाना टीबी द्वारा एसएचओ भूप सिंह के नेतृत्व में 30 ग्राम चिट्टा मय मोटरसाइकिल अनिल कुमार पुत्र पप्पूराम निवासी गड़ोली पुलिस थाना मंडी आदमपुर हरियाणा का रहने वाला है, उसको दौरान नाकाबंदी गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान है। और होडल में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गए हैं। इसी को लेकर होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोशिश तरफ आ रहा था तो रास्ते में कोई अज्ञात गाड़ी वाला उसे एक्सीडेंट करके चला गया, उसमें अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो किसकी मौत हुई? मैं हमारे लड़के विष्णु की और उसकी लड़की उसकी घर वाली बाइक है शशि, तो उनकी ही उनकी उम्र होगी 30-32 साल की और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और उनका बाप है जो सुसर है, उन बच्चों का जो बाप है उनकी उम्र है 65 साल की उसमें, और हम थाना होटल में आए हैं। एसओटो साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया और हमारा पूरी मदद की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, उसकी घरवाली और एक बच्ची जा रहे थे जो एक्सीडेंट हो गए, जिस पर मौके पर आयु भेज दिया, जो घरवालों ने अभी से कोई बयान लिखित में नहीं दिए हैं, जैसे लिखित में बयान देंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पलवल के पुराना जीटी रोड से है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक के बड़े शोरूम में आग लग गई, जिसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आग कैसे लगी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। पलवल की एक खबर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक के बड़े शोरूम में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसका कोई आइडिया नहीं है, एक आइडिया नहीं है। 3:15 बजे चौकीदार का फोन आया रात में 3:15 बजे चौकीदार का फोन आया, ऐसे ऐसे भैया ये लग रहा है कि शायद आग लग गई है। आया तो यहाँ बहुत बुरा हाल था, फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आ गई थी फायर ब्रिगेड टाइम से। कितनी गाड़ियां आई फायर ब्रिगेड की?
लगभग चार गाड़ियां आई हैं, वैसे ज्यादा आई है, रिपीट कर करके आठ एक गाड़ियां आई हैं। लेकिन सामान की स्थिति की तो सारा जलकर राख हो चुका है। बिल्कुल राख हो चुका। और भिवानी के बाल भवन परिसर में महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें किशोरी मेले में भी मिस इंडिया मनिका श्योंकन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर शिवानी के जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह, एसडीएम महेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े अनेक विभागों के द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई और महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मिस इंडिया मनिका ने कहा कि देश के अंदर महिलाएं आगे आ रही हैं और पहले हरियाणा प्रदेश में लड़कियों को किसी भी फील्ड में आगे नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब सब बदल रहा है। भिवानी के बाल भवन परिसर में महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका श्योकंद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भिवानी के जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह, एसडीएम महेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े अनेक विभागों के द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई थी। वीमेन वीक बना जा रहा है, बेसिकली 1 मार्च से 5 मार्च तक है और 8 मार्च को फिर हम जो 30 महिलाएं जो बेटियां हैं उनको सम्मानित करेंगे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन वीक डे पर। तो यह रोनाथ गांव से जो शहीदी गांव है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर रोनाथ गांव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, वहां से इसकी शुरुआत की थी। और आज 5 तारीख को मनिका श्योकन जी जो मिस इंडिया है वो आज हमारे बीच में पहुंची है। पहले हरियाणा का नाम कोई भी लेता था भारत से यही सवाल पूछते थे, हरियाणा में लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं है, खून खर्चिया है उनको, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा बहुत आगे आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबर